एक्टिंग तो इन्होंने हमेशा ही अच्छी की, जबकि डर्टी पिक्चर सबकी जुबान पर एक ही नाम आया, फिल्म की अभिनेत्री विद्या बालन। सबसे बेहतर, विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1978 में हुआ। ढाका उधमपुर उसी रोके उधम शहर में है। ये केरला के प्लकर्ट डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इनके माता पिता यूथ कमेलियन हैं, टपियर बालन मां सरस्वती बालन। हालांकि घर में ये मलयालम और तमिल में ही बात करते हैं। विद्या बालन की बड़ी बहन प्रिया बालन स्टारिंग की दुनिया में काम करती हैं। अभिनेत्री प्रिया मणि उनकी कजन हैं। विद्या बालन का बचपन मुंबई के चिंपर इलाके में गुजरा। सेंट एंथनीज गर्ल्स हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई हासिल की। बचपन से ही शबानाज में माधुरी दीक्षित ने एक्टिंग में इन्हें खासा मुतासर किया। सिर्फ 16 साल की थी तब ये अपने पहले टीवी सीरियल में नजर आई। किरदार था राधिका का, सीरियल था हम पांच। सीरियल के बाद विद्या बालन को जबरदस्त डायरेक्टर प्राग बासु ने भी नाइट टीवी शो ऑफर किया था, पर विद्या सिर्फ फिल्मों में काम करना चाहती थी। माँ बाप उनके इस फैसले के साथ थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर ले। लिहाजा विद्या बालन ने सेंट जेवियर कॉलेज से सोशियोलॉजी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, फिर मास्टर्स डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। जब ये मास्टर डिग्री कर रही थी तो इन्हें साउथ के जबरदस्त सुपरस्टार मोहनलाल के साथ एक फिल्म में साइन किया गया। फिल्म का नाम था चक्रम। हालांकि कुछ ऐसी मुश्किलें आई जिसकी वजह से फिल्म का फैसला टूट गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि विद्या बालन बुरी किस्मत लेकर आई हैं, इनकी वजह से फिल्म का निर्माण टूटा है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, लिहाजा और भी साउथ इंडियन फिल्म से इन्हें निकाल दिया गया। दर्शन भारतीय फिल्मों के लिए साइन तो की जा रही थी, पर एक आध दिन के शूट के बाद इन्हें हटा दिया जाता। फिर वो साल आया जब विद्या बालन का सपना पूरा हुआ। प्रदीप सहकार ने सपने को पूरा किया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा ने इनका ऑडिशन लिया। इन्हें फिल्म परिणीता के लिए साइन कर लिया। फिल्म परिणीता में इन्होंने मेन किरदार निभाया, साथ में सैफ अली खान और संजय दत्त भी थे। उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई में भी ये नजर आई, जिसमें उन्होंने एक रेडियो जॉब की तौर पर अदाकारी की। तरफ इनकी अदाकारी की तारीफ हो रही थी, अभी भी वो मुकाम दूर था जहाँ से विद्या बालन सबसे आगे दूर निकल सकती थी। विद्या बालन ने वो फिल्म की और फिल्म थी डर्टी पिक्चर, के बारे में कहा गया कि ये सिल्क स्मिता के जिंदगी पर मुनहसे करती है। डर्टी पिक्चर से विद्या बालन का ऐसा नाम हुआ, सब मान गए कि खुल के अदाकारी करना इसे कहते हैं। इसके साथ आई फिल्म कहानी दोनों फिल्मों के सुपरहिट हो जाते ही विद्या बालन टॉप स्टार्स में गिनी जाने लगी। जहाँ एक तरफ सफलता इनके हाथ लग रही थी, दूसरी तरफ प्यार भी इनकी जिंदगी में आया। आने माने प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ इनकी शादी हुई। इनकी शादी मुंबई में ही हुई। तीन नंबर या नौ की फिल्मों में ये नजर आई, चाहे वो भूल भुलैया हो, फिर नो वन किल जेसिका या फिर द डर्टी पिक्चर और कहानी। विद्या बालन ने जो मकाम हासिल किया है किसी और अदाकारा के लिए हासिल करना नामुमकिन है। किन्न विद्या बालन ने सुपर स्टारडम हासिल किया।